हेलो गाइस, आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल पे एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है दोस्तों, आज का जैसे कि आपने थंबनेल देख चुके होंगे कि आज हमारा वीडियो जो है किस टॉपिक के ऊपर है। ठीक है दोस्तों, आपको लग रहा होगा ये जो टॉपिक है यानी अपने काइन मास्टर का बैकग्राउंड रिमूव जो है चेंज करना, वो भी एनिमेशन के साथ, जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। ठीक है, यकीन मानिए दोस्तों, ये बच्चों का खेल है। जी हाँ दोस्तों, बच्चों का खेल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीका है। ठीक है, सिर्फ वॉलपेपर चेंज करने का जितना ही मुश्किल है। ठीक है, जैसे कि हमें किसी भी फ़ोटो को एक फाइल से दूसरे फाइल पे कॉपी करना है, बस इतना ही है। इतना कर लीजिए तो आपका भी जो है काइन मास्टर में एनिमेशन हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, यकीन नहीं होता ना। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, चलिए मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पर लेके चलता हूँ। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जाइए, आपको रेड कलर का बटन दिखेगा, वहाँ सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिए। इससे क्या होगा, मैं जो भी नया वीडियो लाऊंगा अपने चैनल पे, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, अगर आपको काइन मास्टर से कुछ भी परेशानी है तो मैंने जो है उसका एक फुल प्लेलिस्ट बना रखा है, मैं यहाँ पर आई बटन पे जो है उसे डाल दूंगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। पूरा फुल वर्जन, वाटरमार्क रिमूव से लेकर एडिटिंग तक, सारा कुछ मैंने उस प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। ठीक है, आप वहाँ पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। और जो है काइन मास्टर पे कंट्रोल पैनल का लोगो भी किस तरीके से चेंज कर सकते हैं वो भी मैंने बताया है, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। तो चलिए मैं आपको सारा प्रोसेस डिटेल्स में बताता हूँ। दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आप काइन मास्टर का कंट्रोल पैनल किस तरीके से चेंज कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से, वो भी इन दो ऐप की मदद से, पिक्सल लैब और एपीके एडिटर। ठीक है, तो इस वीडियो में भी मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से जो है काइन मास्टर का पीछे का बैकग्राउंड जो है उसे चेंज कर सकते हैं। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को काइन मास्टर ओपन करके, देख सकते हैं आप यहाँ पर जो है हमारा, देख सकते हैं हमारा पीछे का बैकग्राउंड जो है किस तरीके का है। ठीक है, मैंने इसे डिफॉल्ट से चेंज किया था, अपना फोटो मैंने इस पे ऐड किया है। ठीक है, इसी प्रकार से मैं आपको दूसरा फोटो डाल के यहाँ पर दिखाऊंगा। ठीक है, और ये वाला इफेक्ट भी मैंने यहाँ पर डाला है, आप देख सकते हैं। ये देख सकते हैं मैंने ये वाला इफेक्ट यहाँ पर डाला है। अगर आप भी चाहते हैं इस तरीके का करने का, तो मैंने पिछले वीडियो में बताया है, मैं उसका जो है लिंक आई बटन पे या फिर डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, आप वहां से जाके देख लेना। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, मैं आपको पीछे का बैकग्राउंड जो है वो चेंज कर कर दिखाता हूँ। आपको सिंपल सा करना क्या है, पिक्सल लैब तो आपके पास हो गई, तो अगर आपने पिछला वीडियो देखा है, वरना आप डिस्क्रिप्शन पर जाइए, आपको वहां पर लिंक मिल जाएगा, आप ये दो ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, तो पिक्सल लैब पहले ओपन कर लेना है आपको। पिक्सल लैब ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर ये टेस्ट दिखेगा, तो इसे डिलीट कर देना है फर्स्ट। डिलीट करने के बाद आपको जो है यहाँ पर थ्री डॉट पे क्लिक करना है, ऊपर दिया होगा। ठीक है, यहाँ पर करने के बाद आपको कुछ इमेज साइज इस तरीके से दिखाई देगा, मैं इसे रोटेट कर लेता हूँ ताकि काम करने में आसानी हो। ठीक है, यहाँ पर थ्री डॉट पे क्लिक करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इमेज साइज दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। ठीक है, इमेज साइज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके से आ जाएगा, हमें जो है इसके रेशियो को चेंज करना है। ठीक है, यहाँ पर कर देना है 1920। ठीक है, इतना कर देना है, फिर यहाँ पर कर देना है 1080। ठीक है, इस तरीके से कर लेना है, इस रेशियो में ले लेना है। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा, हमें क्या करना है, फिर यहाँ पर प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, फिर गैलरी पे जाना है, आपने जो भी फोल्डर वहां डालना है काइन मास्टर के बैकग्राउंड पे, आपको जो है उस फोटोज को सिलेक्ट करना है। तीन फोटो आप डाल सकते हैं, तो आपको तीन फोटो सिलेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पर चलता हूँ, अपने फोन मेमोरी पे। ठीक है, यहाँ पर मैंने कुंफू पैंडा सेव करा था। ठीक है, तो ये वाला फोटो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने कुंफू पैंडा का तीन फोटो यहाँ पर लिया हुआ है। ठीक है, मैं इन तीनों को रिसाइज करके फिर आपको वहां पर ऐड करके दिखाता हूँ। ठीक है, पहले नीचे वाला लेते हैं। ठीक है, ये वाले को मैं यहाँ से
आपको पिछला वीडियो देखा है तो आपको समझ में आया होगा कि फुल स्क्रीन किस तरीके से साइज से करते हैं। आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है इस वाले आइकन पे, फिर नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद हमें रिसाइज इमेज पे जाना है, फिर इसे जो है 100 पे सेट कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से करने के बाद फुल स्क्रीन पर आ जाएगा। सिंपल से ओके कर देना है, फिर इसे जो है आपको यहाँ पर सेव कर लेना है। ठीक है, यहाँ से जो है कस्टम पे क्लिक करने के बाद आपको जो है हाई पे रख के इसे सेव कर लेना है। ठीक है, ये हमारा एक हो गया। ठीक है, फिर हम जो है दूसरा वाला करते हैं। फिर हमें प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, फिर गैलरी पे जाना है। गैलरी पे जाने के बाद दूसरा वाला फोटो लेते हैं, ये वाला। ठीक है, इसे लेने के बाद मैं इसे राइट मार्क कर देता हूँ। फिर यहाँ पर चलना है, फिर रिसाइज वगैरह इसे 100 कर देना है। फिर यहाँ से इसे जो है हाई पे सेव कर देना है। ठीक है, याद रखिए दोस्तों, हमें हाई पे करना है क्योंकि जो है पिक्चर का क्वालिटी नहीं घटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने सेकंड भी सेव कर लिया। ठीक है, मैं फिर थर्ड वाला लेकर आता हूँ और प्लस पे क्लिक करना है, गैलरी पे जाना है, फिर थर्ड वाला यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। करने के बाद ओके कर देता हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पर रिलेटिव साइज पे जाके सब फुल कर लेते हैं, थोड़ा सा एडजस्ट भी कर लेते हैं, थोड़ा नीचे चला गया। ओके, कुछ इस तरीके से। तो ओके प्रेस करता हूँ, फिर इसे भी मैं जो है सेव कर लेता हूँ। सेव कर लेते हैं हाई में। ठीक है, इस तरीके से तो मेरा तीन चीज जो है यहाँ पर हो चुका है। ठीक है, ये साइज में आपको याद रखना है, आपको 90:20 और 1080 पे ही से करना है। ठीक है, हो जाने के बाद सिंपल सा मैं जो है होम स्क्रीन तीन फोल्डर को जो है आपको फोटोज को दिखा देता हूँ। उसको जो है एक फोल्डर पे सेव कर लेते हैं। ठीक है, हमारा जो सेव हुआ हुआ पिक्सल लैब फोल्डर पे होगा। ठीक है, तो मैं वहां पर चलता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर पिक्सल लैब पे जो है ये तीन फोटो, यहाँ तीन फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इस तरीके से सिलेक्ट पे जाने के बाद तीन फोटो को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कॉपी में क्लिक करके कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद आपको सिंपल सा बैक आ जाना है, आपको कोई भी एक नाम दे देना है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर काइन मास्टर, ठीक है, बीजी बोलकर सेव कर दे रहा हूँ। इस फोल्डर पे मैं जो है इसको रख दूंगा। ठीक है, रखने के बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं गायन मास्टर बीजी, इस फोल्डर पे मैं इसे सेव कर लेता हूँ। मेरा तीन फोटो यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, जो रीसाइज वाला, तो सिंपल सा मैं अभी बैग जाता हूँ। बैग जाने के बाद आपको करना क्या है, आपको जो है APK एडिटर ये वाले पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसे जो है सिलेक्ट फ्रॉम सिलेक्ट APK फ्रॉम ऐप, इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको जो है फिर से काइन मास्टर ऐप को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर काइन मास्टर पे फिर सिंपल एडिट पे चले जाना है। सिंपल एडिट पे जाने के बाद आपको सिंपल सा यहाँ पर असिस्ट ये वाला ऑप्शन दिखेगा, सेकंड में सेकंड पे दिखेगा। ठीक है, आपको इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे जाना है, यहाँ पर आपको बैकग्राउंड दिखेगा। ठीक है, इस बैकग्राउंड पे क्लिक कर देना है। नीचे आने के बाद आपको जो लास्ट तीन फोटो दिखेंगे आपको सिर्फ उन्हें ही रिप्लेस करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेरा तीन फोटो है मैं इसे रिप्लेस कर लेता हूँ। यहाँ पर पेन के आइकन पे आपको क्लिक करना है, इस जगह पे। ठीक है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जो है उस फोल्डर पे जाना है जहाँ पर आपका पिक्चर है। ठीक है, मैं यहाँ पर जो है मैं उस फोल्डर को सर्च कर लेता हूँ, काइन मास्टर बीजी। ठीक है, ये रहा, तो यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ इसे। ओपन करने के बाद ये वाला पहले सिलेक्ट कर लेते हैं नीचे से। ठीक है, फर्स्ट हो गया। फिर उसी प्रकार से सेकंड सिलेक्ट करते हैं, फिर उसी प्रकार से थर्ड वाला भी सिलेक्ट कर लेते हैं। देखिए मेरा यहाँ पर हो चुका है, तो मैं यहाँ पर सेव के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। ये कुछ 2 से 3 मिनट लेगा, आपको वेट करना है, फिर आपको जो है रिमूव करके इंस्टॉल कर लेना है। अगर आपने मेरा पिछला वाला वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि किस तरीके से ये वर्क करता है और किस तरीके से आपको करना है। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, मेरा यहाँ पर जो है सेव हो चुका है। ठीक है दोस्तों, ये इसलिए सक्सेसफुली सेव हुआ है क्योंकि मैंने जो रिजोल्यूशन लिया था बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप रिजोल्यूशन जो रेशियो होता है 1920 और 1080 का, ठीक है, अगर उसे आप छेड़छाड़ करते हैं, तरफ तरफ कर देते हैं, या फिर आप कोई अलग रेशियो ले लेते हैं जो मैच नहीं होता, ठीक है, तो वो वाला यहाँ पर सक्सेस नहीं होगा, वो कुछ अलग ही एरर शो करेगा। ठीक है, मैं फिलहाल इसे रिमूव कर देता हूँ। रिमूव करने के बाद फिर से मैं इसे इंस्टॉल करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है, इंस्टॉल। ठीक है, ये हमारा इंस्टॉल प्रोसेस शुरू हो चुका है। ठीक है, इंस्टॉल प्रोसेस शुरू हो चुका है, मैं इंस्टॉल पर क्लिक कर देता हूँ। अब जो है मेरा ऐप जो है इंस्टॉल्ड होगा। ठीक है, इंस्टॉल होने के बाद मैं आपको लेके दिखाता हूँ
ओपन करके कि आपको किस तरीके से वो ऑप्शन दिखाई देता है। ठीक है, तो ये देखिए मेरा जो है कैनवास यहाँ पर इंस्टॉल्ड हो चुका है, तो मैं इसे ओपन करता हूँ। ओपन करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए अलाउ के लिए पूछेगा, तो आपको अलाउ कर देना है सारे को। ठीक है, फिर यहाँ पर मैं ड्रैग कर देता हूँ, फिर यहाँ पर स्टार्ट पर क्लिक करते हैं। फिर दोस्तों बूम, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों किस प्रकार से मेरा जो है पीछे का बैकग्राउंड जो है चेंज हो चुका है। ठीक है, कुंग फू पांडा से रिप्लेस हो चुका है। ये परफेक्टली एनिमेट भी कर रहा है, आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर मूव भी कर रहा है। ठीक है, तो दोस्तों आप भी इसी प्रकार से अपना फोटो जो है यहाँ पर लगा सकते हैं। ये कुछ सारा सिंपल प्रोसेस है, तो आप भी जो है इसे फॉलो करके आपका फोटो भी यहाँ लगा सकते हैं, फिर आप किसी को भी दिखा सकते हैं। ठीक है, आपका साइन मास्टर जो भी देखे कि भाई इसने ये कैसे किया यार, हमें भी करना है। ठीक है, तो आप भी उसे थोड़ा सा बता देना, वो भी कर लेगा, या फिर हमारा वीडियो आपको आप उससे रेफर कर देना। ठीक है, तो दोस्तों आपका आज का वीडियो आपको किस कैसा लगा, ठीक है, कमेंट लिख के जरूर बताना। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है, ठीक है, वो जाकर आप देख लीजिए, क्योंकि उस पे मैंने फुल डिटेल्स में बताया है कि काइन मास्टर के कुछ सेटिंग्स जो एक्सपोर्ट पे एरर आते हैं, ठीक है, वो वाले एरर को कैसे फिक्स करते हैं, और जो है कंट्रोल पैनल का लोगो किस तरीके से चेंज करते हैं वो भी बताया हुआ है। मैंने कंप्लीट एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख लीजिए, या फिर आई बटन पे भी उसका लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो काइन मास्टर लिखा है, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ इस काइन मास्टर के लोगो को आप यहाँ से हटा कर आप अपना नाम कैसे यहाँ पर एड कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल के साथ, मैं आपको इसी तरह की क्वालिटी कंटेंट, बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करूंगा। ठीक है।